हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल रितु की शुद्ध रसोई। तो सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और आज की रेसिपी है व्रत स्पेशल रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हमने पहले से कोई तैयारी नहीं करनी है। इसमें हमने किया है ढेर सारी सब्जियों का यूज और बहुत ही कम घी तेल का यूज करके हमने इसको बनाया है। हेल्दी है और इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये व्रत स्पेशल रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले ली हैं सब्जियां। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक खीरा, गाजर, आलू और मिर्च। इनको सबको अच्छे से छील लिया है, धोके अच्छे से छील लिया है। सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे ना कच्चा आलू ही लेना है, आपने कोई बॉईल किया हुआ आलू नहीं लेना है। तो मीडियम वाली साइड से हमने इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। तो आलू हो गया है हमारा अच्छे से कद्दूकस। अब हम इस आलू को ना पानी में डाल देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च है ना वो निकल जाए। तो एक बाउल में मैंने ले लिया है पानी और इसमें डाल दिया है हमारे आलू के लच्छों को। अब हम खीरे को भी कद्दूकस कर लेंगे। तो जितनी क्वांटिटी में आपने बनाना है उसी हिसाब से आपने सब्जियों को कद्दूकस कर लेना है। आप अपनी चॉइस की कोई भी सब्जियां यहाँ पे ले सकते हैं। आप चाहें तो ना घिया ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं। व्रत में जो सब्जियां खाई जाती है आप उनमें से कोई भी सब्जियां यहाँ पे ले सकते हैं। तो खीरे को भी हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अपनी गाजर को भी हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो हमारी गाजर भी हो गई है कद्दूकस। अब हम इसको डाल लेंगे एक बाउल में ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए। बारीक हरा धनिया काट के डाल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ना पालक भी काट के डाल सकते हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को भी बारीक बारीक काट के डाल देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें से जो भी चीज आप फास्ट में नहीं खाते हैं उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमारे लच्छों को, आलू वाले लच्छों को पानी से निकाल के अच्छे से इनका पानी निकाल लेंगे मुट्ठी से ऐसे दबाते हुए। और इसको भी हम ऐड कर देंगे। ऐड कर रहे हैं 3 चम्मच सिंघाड़े का आटा, जो व्रत में खाया जाता है सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा। तो आज मैंने लिया है यहाँ पे सिंघाड़े का आटा। तो आपने यहाँ पे कोई पहले से तैयारी नहीं करनी है, कुछ भिगो के नहीं रखना है। बहुत ही जल्दी 5 से 10 मिनट में ये बनके हो जाता है रेडी। तो यहाँ पे मैंने ले ली है काली मिर्च और साथ में ले लिया है सेंधा नमक स्वाद अनुसार। सबको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और अब थोड़ा सा पानी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि खीरे में ना पानी की मात्रा काफ़ी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा पानी की हमें यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मुझे लग रहा है कि हमारा जो सिंघाड़े का आटा ना वो कम है। तो 1 चम्मच मैं इसमें और आटा ऐड कर लूँगी। तो आप भी ऐसे, आपको लगे कि आटा कम है तो आप ऐसे इसमें और भी ऐड कर सकते हो। अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स। तो हमारा ये तो बनके हो गया है रेडी। और जब तक इसको 5 से 5-6 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और तब तक हम अपनी चटनी रेडी कर लेंगे। इसे ढक के रख देंगे। और चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है मिक्सी का छोटे वाला जार। सबसे पहले हम इसमें डाल लेंगे हरा धनिया, पुदीना और ये मैंने डाल दी है इसमें हरी मिर्ची। तो ये काफ़ी तेज मिर्ची है तो मैंने 3 ही डाली है। आप क्वांटिटी के हिसाब से मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। अदरक का टुकड़ा आप व्रत में खाते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्वाद अनुसार हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक। इसमें और कुछ डालने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो जाती है। तो 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे दही। और हाँ, आप यहाँ पे चाहें ना तो पीनट भी डाल सकते हैं। पीनट डालने से भी आपकी चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो हरी मिर्ची डाली है हमने और साथ में डाला है सेंधा नमक। थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसको पीस लेंगे। तो कड़ी पत्ता डालना रह गया था फ्रेंड्स, अब मैं इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर देती हूँ। तो हमारी चटनी बनके हो गई है रेडी। और ये देखिए कितनी अच्छी ये दिखाई दे रही है। खटाई के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 नींबू का रस। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन नींबू डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसे डाल लेंगे हम एक
बाउल में। तो हमारी चटनी भी बन के हो गई रेडी, और हमारा जो हमने मिक्सर बना के रेडी किया है था वो भी 5 से 6 मिनट उसको हो गए हैं, वो भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। तो चलिए अब हम अपने ये चिल्ले बना लेते हैं, चिल्ले बोल दीजिए या परांठा, जो भी आपने बोलना है इनको आप बोल सकते हो। तो गैस पे रख दिया है एक नॉन स्टिक पैन मैंने गर्म होने के लिए, और जैसे ही गर्म हुआ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी, या फिर आप चाहें तो जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हैं व्रत में वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे घी तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 चम्मच के लगभग काफ़ी रहेगा। अब हम अपने बनाए हुए रेडी किए हुए मिक्सचर को इसमें डाल देंगे, और बहुत ज़्यादा आपने मोटा मोटा इसको नहीं रखना है, थोड़ा पतला सा ही इसको फैला के रखना है। आंच को आपने यहाँ पे मीडियम रखना है, यदि तेज आंच रहेगा तो नीचे से हमारा ये चिल्ला जल जाएगा और अब बीच में से रह जाएगा कच्चा। तो 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से नीचे से फ्राई हो जाएगा, ऊपर से भी हम डाल देंगे 2 से 3 बूंद घी या फिर तेल। अच्छे से इसको पकने देते हैं। अब इसको चेक कर लेंगे चारों तरफ से, ना ये पक गया है, और इसको चेक कर लेंगे चारों तरफ से, इसको उतार लेंगे, और ये अच्छे से उतर रहा है इसका मतलब कि अच्छे से पक गया। अब पलट के इसको दूसरी साइड से भी सेक लेंगे, आप चाहें तो इसको एक साइड से भी सेक सकते हैं, जैसे डोसा सेकते हैं ना एक साइड से, आप इसको वैसे भी सेक सकते हैं, लेकिन दोनों साइड से सेकेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा ये वाला चिल्ला बन के हो गया है रेडी, और ये देखिए ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनता है फ्रेंड्स। सेम प्रोसीजर से हम अपना दूसरा चिल्ला भी डाल देंगे, इसको भी वैसे ही हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट में, ये नीचे से अच्छे से सिक जाएगा। उसके बाद हम इसको पलटते हुए दूसरी साइड से भी सेक लेंगे, अच्छे से ये सिक गया है, इसकी किनारियां सबसे पहले छुटा लेते हैं और फिर इसको पलट के दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे, पलट देते हैं इसको। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को यदि आपने अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और हाँ, यदि आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ उसे भी दबा लीजिए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारा ये चिल्ला बन के हो गया है रेडी, और हाँ फ्रेंड्स बाकी जो पेस्ट बचा है ना मैंने उसको रख दिया है फ्रीज में, तो इस पेस्ट को आप 3 से 4 दिन आराम से यूज कर सकते हैं। जब भी आपको चिल्ला बनाना हो आप फ्रीज में से निकालिए और उसका चिल्ला बना सकते हैं, यदि गाढ़ा हो जाए तो आप थोड़ा बहुत उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो एक कटोरी में मैंने ले लिया है दही और हमारी चटनी, ऊपर से मैंने डाल दिया है दही में काली मिर्च और सेंधा नमक। तो हमारी थाली बनके हो गई है रेडी, तो पौष्टिक भी है और फ्रेंड्स बहुत ही कम टाइम में बनके हो जाती है रेडी, और हेल्दी भी है। तो चलिए फ्रेंड्स ओके बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। बाय फ्रेंड्स।